XS 125 BS6 मॉडल 2023। क्या सर 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 खींच रहा है। इसमें क्या है, तीन मॉडल आते हैं, हर चीज़ तो बता ही दिया। इसका टॉप स्पीड भी अराउंड, देख लो अनपढ़ आदमी रे। बाबा नया दिन नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माय चैनल अलकोहलिक नॉक्स। आज है अपने एक्सेस 125 का रिव्यू। एक्सेस 125 BS6 मॉडल 2023, 2023 का वर्जन है। सिर्फ एक महीना 20 दिन हुआ लेके। एक्चुअली मेरे दोस्त का गाड़ी है, टू बी स्पेसिफिक साई चेतन का गाड़ी है। उसको उतना गाड़ियों का नॉलेज नहीं है, उसको छुपे गाड़ी चाहिए था, वो गाड़ी ले लिया। तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं आपको उसी हिसाब से जो है रिव्यू बताऊंगा। बाबा पहले हम लोग स्कूटी चलाते थे ना, एक्टिवा चलाया, स्कूटी पे प्लस चलाया, प्लेजर बोल के भी एक गाड़ी आता था वो भी चलाया, बहुत सारे स्कूटी चलाया। पर मेरे को पिकअप ऐसा फील नहीं हुआ अभी कोई भी गाड़ी में जितना एक्सेस 125 में फील हुआ। स्मूथली देखो अराउंड 40 पे चल रहा है, पर बिल्कुल लग नहीं रहा है गाड़ी 40 पे चल रहा है। और एक्सेलेट करोगे एक्टिवा वो सब में क्या प्रॉब्लम्स है, एक्सेलेट करोगे आप पिकअप में आपको लैग दिखेगा, थोड़ा आगे पीछे खींचेगा, वो सब कोई इसमें चीज़ का मेरे को लग तो नहीं रहा है अभी के लिए तो। क्या सर 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 खींच रहा है। सॉरी साई चेतन अगर वीडियो देख रहा है तो, थोड़ा बहुत खींचूंगा गाड़ी को, 1000 किलोमीटर हो चुका है उसका, नहीं तो मैं नहीं खींचता था इतना, 40 पे ही चलाता था। एकदम फीलिंग ही नहीं है कि एक्सेस चला रहा है, स्कूटी के जैसा फीलिंग ही नहीं है। एक्सेस तो का तो छोड़ दो। और ये जो साइड में आपको लाइट दिख रहा है ना, ये इको मोड और पावर मोड का है। ये ग्रीन पे शायद इको मोड है, हाँ ग्रीन पे इको मोड है, और ब्लू पे आते ही पावर मोड पे चले जाता है। देखो पावर मोड पे माइलेज थोड़ा कम देगा, इको मोड पे ज़्यादा देगा। इसका माइलेज अराउंड मेरे को वो बोला 45 बोल रहा था, 40 to 45 पकड़ के चलो, क्योंकि नया गाड़ी है उतना तो 100% दे गई, 40 तक तो आराम से दे देगा इको मोड पे 45। तो माइलेज भी अच्छा है और गाड़ी है 125 सीसी का, एयर कूल्ड इंजन है। और इसमें क्या है, तीन मॉडल आते हैं, एक्सेस 125 स्टैंडर्ड एडिशन, एक्सेस 125 स्पेशल एडिशन, और एक है राइड ऐसे ही क्या तो GPS एडिशन है वो। उसमें क्या है, जो आपको स्पीडोमीटर मिलता है उसमें पूरा ब्लूटूथ एनेबल्ड है, उसमें मैप मतलब डायरेक्शंस भी बताता है, वो वाला पूरा थर्ड टॉप मॉडल है वो। ये टॉप सेकंड मॉडल है, ये मतलब स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन ऐसा क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं, एक डिस्क एक्स्ट्रा है शायद, स्टैंडर्ड एडिशन में डिस्क नहीं है शायद, पता नहीं, मोस्टली नहीं होगा, फिर फ़र्क ही क्या रहेगा स्टैंडर्ड और स्पेशल में। इसको सामने डिस्क है, डिस्क उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा मेरे को भी, और साई चेतन को भी नहीं लगा। पीछे का रियर ब्रेक जो है वो एकदम कड़क है, नो डाउट। और इसके मिरर्स में भी ऐसा वाइब्रेशन टाइप का फील नहीं है, क्योंकि स्कूटीज़ में मैं ज़्यादातर देखा हूँ वाइब्रेशन फिर बहुत आता है, मतलब जो रियर व्यू मिरर्स है उसके ग्लास में वाइब्रेशंस बहुत रहते हैं। इसमें वाइब्रेशंस और सब कुछ नहीं है, पूरा एकदम टिच टाइट है। साई चेतन ने 2-3 बार गाड़ी गिरा भी दिया है, पापा के लिए ले रहे हो, मतलब एजड भी है, 40+ है, या फिर यंगस्टर्स भी है, कॉलेज वॉलेज जाते हैं, तो एकदम सेक्सी नो डाउट। और बहुत सारे फीचर्स है इसमें आपको बताऊंगा उधर जाके, बहुत सारे मतलब है, नॉर्मल स्कूटी से तो ज़्यादा ही है। देखो पिकअप कैसा पकड़ता है, वाह 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 वाह, एकदम आप कितने बार बोलूँ मैं, फील ही नहीं हो रहा बोल के। देखो 70 पहुँच गया, लग ही नहीं रहा 70 क्या 75 खिराक। बटर स्मूथ आपको राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो बिल्कुल गो फॉर एक्सेस 125। अरे इतना स्मूथ नहीं चला है मैं, मेरे को NS में भी थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील होते हैं, पर इसमें एकदम धक्का नहीं लग रहा वाइब्रेशन का कोई, हाथ में तक वाइब, अरे मिरर में नहीं लग रहा, हाथ में कहाँ से। इसका टैंक का कैपेसिटी है 5 liters to 5.6 liters, ऐसा गूगल बता रहा है, उतना ही है। स्कूटी इसका मोस्टली 6 liter से ज़्यादा रहता नहीं है। और इसके शॉक ऑब्जर्वर, बाप अरे रे 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 रे, ऐसा लग रहा कार में बैठा हूँ मैं, एकदम फील ही नहीं हो रहा। होगा थोड़ा फील होगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं बता देने का फिर वो स्कैम हो जाता, फील हो रहा है थोड़ा हो रहा है, मेरे NS से बेटर है बोलता मैं, शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको, मैं भी कभी कभी गलती कर देता है। दरीच रुका के रिव्यू वीडियो स्टार्ट कर देता मैं।
देखो बाबा, गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी पूरा फाइबर मेड बॉडी है बाहर का। ये देखो वाइट एलईडी लाइट दिया गया है, प्रोजेक्टर लैंप है, नहीं नहीं प्रोजेक्टर लैंप तो नहीं है शायद, यापर डिपर के लिए है। पूरा बाहर का जो अलॉय व्हील्स है वो भी अच्छे दिए हैं। अलॉय व्हील्स भी दिखा देता आपको, ये देखो अलॉय व्हील्स भी ऐसे टाइप के है। ये वाइट कलर है, इसका अलॉय व्हील ब्लैक है। ये देखो डिस्क दिया गया है, इसका डिस्क का डायमेंशन तो उतना पता नहीं, इसका डायमेंशन आपको गूगल में मिल जाएगा, वो सब मगजमारी का चीज़ है वो। और आपको गाड़ी एक बार चालू करके दिखा देते हैं। देखो गाड़ी चालू किया, ये बोला था ना स्पेशल एडिशन है, ये जीपीएस एडिशन नहीं है। जीपीएस एडिशन में फुल डिजिटल मीटर है, इधर आपको डायरेक्शन वो सब बताता है, वो सब चीज़ उतना काम का नहीं है। किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट तो नहीं है, BS6 मॉडल है, नॉर्मल इंडिकेटर्स है, ज़्यादा ऐसा कुछ शौक ही नहीं है ये, बल्कि मेरे को आवाज़ पसंद नहीं आता है, पर क्या कर सकते हैं, पसंद आए ना आए। ये अपर डिपर है, हॉर्न भी दिखा देता, ये देखो नॉर्मल सा हॉर्न है। ये स्पेशल एडिशन देखो, इधर है स्पेशल एडिशन। अच्छा है गाड़ी का, मतलब ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, ज़्यादा यहाँ वहाँ लगता नहीं है। हम लोग अभी तीन लोग बैठ के आए, तीन लोग बैठे तो भी ऐसा लग नहीं रहा था कि गाड़ी पे तीन लोग बैठे, हालांकि मैं सूर्य और साई चेतन बैठे थे, उसमें साई चेतन का वेट ज़्यादा है, मेरा और सूर्य का कम है, फिर भी गाड़ी पे अराउंड 250 किलो के वेट, मतलब 200-250 किलो के तीन लोग थे, पूरा सबका मिला के बोल रहा है, समझ जाओ उतना मिला के भी गाड़ी फुल परफॉर्मेंस में ऐसा कोई लैग नहीं, पिकअप में लैग नहीं। मेरे को तो बहुत पसंद आया गाड़ी, अगर मेरे को कोई मौका मिले सेकेंडरी गाड़ी रखने का, या फिर किसी किसी को प्राइमरी भी स्कूटी लेना है तो वो लोग तो यही ले सकते हैं, मैं भी यही लूँगा 100%। आपको एक बार डिक्की खोल के दिखा देता, ये ऑफ़ पे रहता है ना, ऑफ़ पे ऐसे नॉर्मल घुमा देने का डिक्की खुल जाएगा। ये डिक्की देखो भाई, बूट स्पेस देखो, बूट स्पेस भी अच्छा खासा है। मेरा हेलमेट से बताऊँगा आपको, मेरा लार्ज साइज हेलमेट है, लार्ज फेसिंग हेलमेट है, हालाँकि गोप्रो लगाया हुआ है फिर भी हेलमेट घुस रहा है। अभी गोप्रो लगा हुआ है, ज़्यादा ऐसा ये नहीं करूँगा, एक ही हाथ से छोड़ दूंगा तो चुप लेंस वेंस पे स्क्रैच आ जाएगा, मतलब गोप्रो लगा के भी इसको आराम से अंदर रख सकता है एक बड़ा हेलमेट। इतना मेरे को एक्टिवा में भी नहीं लगता है एक बूट स्पेस होगा, और स्कूटी में भी शायद नहीं होगा। अब इसका एक छोटा डिसएडवांटेज पे आ जाता है, साई चेतन अभी बोला मेरे को, वो वाटर सर्विसिंग करवाया उसको, इधर कहीं अंदर छेद नहीं है, अगर पानी भर गया तो इसमें पानी भरा हुआ रह जाएगा, तो वो एक फ्लॉ लगा मेरे को, या फिर शायद हो भी सकता है हमें मिल नहीं रहा, मेरे को तो नहीं दिखा। ये टूल किट है, छेद तो मेरे को दिखा नहीं, छेद है ही नहीं, इधर दिखेगा कहाँ से। अच्छा खासा बूट स्पेस है, और ये इसको फ्यूल टैंक, फ्यूल मतलब फ्यूल कैप अगर खोलना है तो चाबी से ही खोलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं एक्टिवा के जैसा, एक्टिवा या कौन सा जुपिटर जैसा उधर से बटन दबाया हो जाएगा, वो सीन नहीं है। ये देखो मिरर है, ये मिरर्स भी अच्छे हैं, मिरर्स पसंद आए मेरे को, फील्ड ऑफ व्यू भी अच्छा है, और वाइब्रेशन का जैसे आपको बताया वाइब्रेशन तो आया ही नहीं, बिल्कुल एकदम नीली है। और इसमें ये भी दिया गया है, रुको ऑन करके दिखाता है, मोबाइल चार्जर भी है, ब्लू लाइट आता है इस पर, मोबाइल चार्जिंग भी करना है तो आपको मोबाइल चार्जर है, इधर मोबाइल आप रख सकते हो। हम तो पानी बॉटल रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, साई चेतन इस्तेमाल करता है, मैं नहीं। अच्छा है, इधर कुछ आप सामान टांग सकते हो अपना, और इधर भी टांग सकते हो, ऐसा करके इधर भी टांग सकते हो, इधर भी टांग सकते हो, एकदम हैसल फ्री गाड़ी है, किटकिटीच नहीं है, पूरा कंफर्टेबल, चलाने में भी उतना ही कंफर्टेबल, सीट भी उतना ही मुलायम, शॉक अब्जर्वर भी उतना ही मतलब अच्छे हैं, रिजिड नहीं है, सॉफ्ट थोड़ा सॉफ्ट साइड पे है, पर अच्छे है, जो भी है मज़ा आया गाड़ी चला के, फुल कंफर्टेबल सीन्स है। देखो एकदम आप मोटा तोंद है, बहुत मोटा तोंद है आपका, तो सेक्सी गाड़ी है आपके लिए ये गाड़ी। देखो पड़ता है इधर कर्नाटक में अराउंड 1,13,000 उसको ऑन रोड पड़ा, फुल कैश पेमेंट, नो EMI, फुल कैश पेमेंट में 1,13,000 कुछ पड़ा। अगर GPS वर्जन में जाओगे तो 7,000 एक्स्ट्रा उसका, 1,20,000 ऑन रोड पड़ता है। ये कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक में रोड टैक्स 18% है। अगर आपको रोड टैक्स कम चाहिए, आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में कम है, 16% या 14% है शायद, कितना पता नहीं, अराउंड उतना ही है। तो गाड़ी तो एक नंबर है, इतना सब चीज़ मेरे को पता था तो मैंने बता दिया, माइलेज भी बताया, टैंक कैपेसिटी बताया, आपको हर चीज़ तो बता ही दिया। इसका टॉप स्पीड भी अराउंड आपको मीटर देख के बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बताऊँगा, मेरे को पता है कितना जाएगा कितना नहीं। इस पर 110 का पूरा मीटर पे 110 का है, तो आराम से 95-100 छू जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं, 110 भी जा सकता, पता नहीं।
और एक जो चीज़ मेरे को पता नहीं चल रहा है, ये किस चीज़ का वायर है? ये मोस्टली एक्सेलरेटर का होगा या फिर कॉम्बी ब्रेक्स का कुछ तो सीन होगा, पता नहीं। ये एक ही पॉइंट पता नहीं है, वो आपको बता दिया मैं। ये पुश शट बटन शायद इसके लिए, किसके लिए पता नहीं, पुश शट बटन, वो साई चेतन को पूछना पड़ेगा। अब जितना उसको मैं नॉलेज था उतना पूछा, वो तो बोला यार ले लिया भाई, मेरे को गाड़ी चलाना था बस ले लिया मैं। ठीक है, उसका भी सही है। तो हो गया बाबा, आज का रिव्यू इतना ही था एक्सेस 125 के बारे में। आपको कुछ भी क्वेश्चन है गाड़ियों के बारे में, एक्सेस 125 भी डाला मैं, पल्सर 125 डाला, पल्सर 160 डाला, अपना स्कूटी पे प्लस का डाला, NS 200 के तो बहुत है। और भी अगर बीदर के कोई हो, आसपास के गाड़ियाँ हैं आपके पास, कार है, तो बिल्कुल DM करो इंस्टा पे @adholico। बिल्कुल कोलैब भी करना है तो कोई बात नहीं, कोलैब भी कर लिया जाएगा अगर आपके पास गाड़ी है तभी। मजाक कर रहा है, ऐसे तो मिलते रहते सब्सक्राइबर यहाँ वहाँ, ज़्यादा नहीं मिलते पर मिलते। चलो बाबा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा ये गाड़ी के तीन चीज़ें पसंद आए, उसमें पहला तो है पिकअप। देख लो अनपढ़ आदमी, रे आगे पीछे देख ही नहीं रहा, पूरा काला शीशे करा के। हाँ, मेरे को तीन मेन चीज़ें पसंद आए, एक तो है पिकअप, एक है बूट स्टोरेज, और तीसरा है चार्जिंग विथ मोबाइल होल्डर। क्योंकि मोबाइल बहुत यूज़ करता है मैं, गाना वाना कभी लगाता हूँ तो मोबाइल यूज़ करता हूँ। ऐसा मोबाइल निकालो, इधर सरक से पिछला दो, खत्म।